हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लता की रसोई। कि आप सब जानते हैं अक्टूबर का मंथ आ गया है और अब फेस्टिवल सीजन आ गया है, तो इसमें बनेगी हमारे घर में बहुत सारी मिठाइयाँ। तो हम शुरुआत करते हैं मिठाई से, जिसका नाम है रसगुल्ले। ये होममेड रसगुल्ले हैं फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट बन जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इनकी रेसिपी। रसगुल्ले बनाने के लिए मैं ले रही हूँ फटा हुआ दूध। जो दूध हमारे घर में फट जाता है, या आप दूध को फाड़ लें जैसे भी, उसको छान कर एक कपड़े में बांध दिया था मैंने टाइट से। तो और इसको अब इस तरीके से, मतलब इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, इसको इसलिए हम कपड़े में बांध के रखते हैं। और अब ये हमने अच्छे से इसको थोड़ा सा मैश कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी मैदा। मैदा हम डालेंगे 1 से 2 टीस्पून, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो अब इनको अच्छे से मथेंगे हम मैदा को, और जो हमने दूध को फाड़ा था उसको बहुत अच्छे से मथ लेंगे। और ऐसे मथे मथे हमको इसका आटा गूंदना है। आटा फ्रेंड्स ध्यान रहे हमें सॉफ्ट गूंदना है। अगर आटा आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो जा रहा है तो आप उसमें 1-2 टीस्पून दूध डाल सकते हैं। जी हाँ, दूध डालने से आपका जो आटा है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसका एक सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लिया है। तो अब इसकी बनाएंगे छोटी छोटी बॉल्स। इस तरीके से देखिए, हमें बॉल्स बनानी है दोनों हाथों के बीच में रख के। इस तरीके से इसको राउंड राउंड करना है। ये एक बॉल बन गई। और इसी तरह जितना भी हमने ये डो लगा के तैयार किया है, इसके हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे रसगुल्ले की। ये देखिए, आपको मैं पास से दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी हमारी सॉफ्ट स्मूथ बॉल बनी है। बिल्कुल भी इसमें क्रैक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आटा जो हमने लगाया है वो बहुत ही सॉफ्ट है। इसी तरीके से आपको भी आटा लगाना है, सॉफ्ट आटा जिसमें क्रैक्स ना दिखाई दें। तो सारी ऐसे मैं बॉल्स बना के रेडी कर लेती हूँ जल्दी से। ये देखिए, सारी बॉल्स रेडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको बॉयल करेंगे पानी में। तो ये मैंने लिया है 1 ग्लास पानी, और इसमें मैं डालूँगी 1/2 ग्लास चीनी। यानी कि इसका रेशो हमें जो रखना है वो यही रखना है कि 1/2 ग्लास चीनी और 1 ग्लास पानी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस पे बॉयल आने देंगे। जैसे इसमें हल्का सा बॉयल आने लगेगा, गर्म हो जाएगा पानी, तो हम इसमें डाल देंगे इलायची। इलायची डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। तो ये चीनी जो है हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो और बॉयल भी आने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो भी हमने बॉल्स बनाई थी ना फटे हुए दूध से, तो सारी बॉल इसमें हम डाल देंगे। और जैसे ही आप इसमें डालेंगे, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इसका जो साइज़ है, जो बॉल्स का साइज़ है, वो अपने से डबल हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट मुझे हो गए इनको बॉयल करते हुए, और ये पूरे बर्तन में अच्छे से फैल गए और साइज़ में भी डबल हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, और आपको कलर भी देखिए इनका लग रहा होगा बिल्कुल वाइट जैसा मार्केट में होता है। तो इसको अभी हम 10 से 15 मिनट और थोड़ा सा बॉयल होने देंगे, ताकि जो चाशनी है ना वो अच्छे से रसगुल्लों में बैठ जाए। और ये देखिए, रसगुल्ले भी आपको दिख रहे होंगे, जो हमने साइज़ बॉल्स बनाए थे उससे डबल साइज़ में अभी ये दिख रहे हैं। तो 10 से 15 मिनट हमें, मतलब टोटल इसको 20 मिनट रखना है। ये फ्लेम को हाई रहने देंगे और इसको ढकेंगे नहीं। ढकेंगे तो चाशनी बाहर निकल के गिर सकती है, तो बीच बीच में चेक करते रहें। अगर पानी में उबाल आ रहा है तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बंद कर दें, और अगर आपको लगे चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी होने लगी है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। अगर चाशनी गाढ़ी होगी तो रसगुल्लों के अंदर कम रस जा पाएगा। तो गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है, और ये देखिए, रसगुल्ले जो हैं वो ठंडे भी हो गए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं, और इस फेस्टिवल सीजन पे होममेड मिठाई ही बनाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग लता की रसोई। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।